मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10, सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री अमेजिंग वर्ल्ड। कांटेक्ट एनी क्वेरी, दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर। यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड क्वेरी आल्सो। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन। केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो केमिकल इक्वेशन से हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, यानी कि वो न्यू सब्सटेंस जो हमारे केमिकल्स के एक दूसरे के इंटरेक्शन से फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यदि हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो वाटर फॉर्म्ड होता है, और कार्बन यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड होता है। बट डियर स्टूडेंट्स, ये केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा लेंथी हैं और इनसे इंफॉर्मेशन भी बहुत कम मिलती है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केमिकल रिएक्शंस को हम हमेशा लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, उसमें हमें मैटर्स के बारे में पता नहीं होता, उसमें हमें स्टेट्स के बारे में पता नहीं होता, उसमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं होता, तो हम उन्हें ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं कह सकते, हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, बट उससे हम केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को उनके सिंबल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन हो जाती हैं। लाइक हमने पहले वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करा, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, और उसी रिएक्शन को हमने बैलेंस करके नीचे लिखा 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखने वाली है हमारी कि हम जब लेफ्ट साइड में जो भी लिख रहे हैं वो हमारे लिए रिएक्टेंट है, राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो राइट लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं वो हम रिएक्शन करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो दो सब्सटेंस विच आर यूज फॉर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी जो हम प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम केमिकल्स ले रहे हैं वो हमारे लिए रिएक्टेंट्स हैं, एंड दो सब्सटेंस विच फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट्स, और जो हम रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट्स की आपस में इंटरेक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिल रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। सो देयर मे बी वेरियस कंडीशन अंडर विच रिएक्शन में हैपन, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो रिएक्शंस होते समय अप्लाई होती हैं, वो कंडीशंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें हम प्रेशर की, प्रेशर रिएक्शंस में यूज होते हैं, दूसरा हीट, तीसरा सनलाइट, चौथा इलेक्ट्रिसिटी और पांचवा कैटलिस्ट। देखिए, प्रेशर के बारे में आपको पता है, हीट के बारे में आपको पता है, सनलाइट के बारे में पता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है, बट कैटलिस्ट के बारे में नहीं पता, तो हम कैटलिस्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। देखिए, कैटलिस्ट वो केमिकल्स होते हैं जिनसे हम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं बिना उनके पार्टिसिपेट करे हुए। सो दे आर दोज केमिकल्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट। लाइक हम कोई भी कैटलिस्ट जो उस रिएक्शन पर प्रेजेंट कर दें, उस एरो के ऊपर लिख दें, बट उसका पार्टिसिपेट ना हो रिएक्शन में, तो वो हमारे लिए कैटलिस्ट हो जाती है। लाइक सी, अब इसमें एग्जाम्पल हम आपको आगे इसके एक्सप्लेन करेंगे, बट हम एक रिएक्शन के माध्यम से ये पता कर लेते हैं कि कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हमारे यूज होते हैं और उन सिंबल्स का क्या क्या होता है, यानी वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कार्बन के ऑक्सीजन से सी प्लस ओ टू हम यूज करते हैं, तो CO2 एरो के साथ बना होता है रिएक्शंस में, तो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि कोई भी एरो ऊपर साइड में लगा हुआ है तो इसका मतलब कि वो गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि गैस आपकी ऊपर की तरफ चली जाती है, जब उसके पार्टिकल्स गैस मॉलिक्यूल होते हैं तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है, इसलिए हम अपर एरो का यूज करते हैं। वहीं नीचे की दो रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो नीचे वाली सेकेंड रिएक्शन में जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन है और कॉपर सल्फेट जिंक को अलग कर रहा है। कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दे रहा है, तो कॉपर क्या है, वो हमारे सॉल्यूशन में नीचे की साइड बैठ जाएगा, इसीलिए हमने लोअर एरो का यूज करा जो इनसॉल्युबल PPT को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन।
अब इसके नीचे आप पहले कुछ केमिकल रिएक्शन जो आपके आसपास होती हैं उनके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट शोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूज, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये वो रिएक्शंस हैं केमिकल जो आपके आसपास होती हैं बट आपको वहाँ पर स्पेशली मेंटेन नहीं करते, क्योंकि ये केमिकल चेंजेस तो होते हैं ये बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं या उनमें आपस में रिएक्टेंट की रिएक्शन से होते हैं, बट आप उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। चलिए अब आप ध्यान देने लगेंगे क्योंकि अब आपने केमिकल रिएक्शन से पढ़ लिया। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। उस समय उसकी कुछ ना कुछ फीचर्स होती हैं जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स की बात यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, थर्ड, चेंज इन कलर स्टेट एंड टेम्परेचर। अब ये तीन कंडीशंस आपकी आ सकती हैं जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं और केमिकल रिएक्शन होने का पता लगाएंगी। लाइक आपने दो केमिकल्स लिए, उन्हें मिक्स किया और यदि उसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो उसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हो गई इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। यदि कोई सॉलिड प्रोडक्ट बनना है तो वो हो गया फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। यदि कलर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो चेंज इन कलर स्टेट एंड टेम्परेचर में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट। आपने प्रेसिपिटेट का वर्ड पहले नहीं सुना है। देखिए, प्रेसिपिटेट वो सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो रिएक्टेंट की आपस में रिएक्शन होने पर सॉल्यूशन में सेपरेट आउट हो जाता है रिएक्शन होते समय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। लाइक इसके एग्जांपल्स भी आपको आगे जब रिएक्शन के टाइप स्टडी करेंगे तो वहां पर मैं आपको दूंगा, वहां पर आपको समझाऊंगा भी। चलिए उसके बाद बात करते हैं बैलेंस्ड एंड केमिकल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने की वजह से उस रिएक्शन का जो मास होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो भी इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती हैं। अब हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती हैं जिनमें आपके एटम्स ऑफ एलिमेंट, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं होते। जब इक्वल नहीं होंगे तो उनके मास भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होंगे। और हमारा लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास कहता है कि मैटर ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। बट जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के होना चाहिए। वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। हम ना तो किसी भी एलिमेंट और ना ही कंपाउंड का फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। दैट इज द कंडीशन ऑफ द केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में कुछ बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। बैलेंसिंग बैलेंसिंग यहाँ पर वर्ड आ रहा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की बात करें तो हमें पता है कि हमें रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल होने चाहिए। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में जब अलग अलग टाइप के एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल हो तो वो होती है हमारी बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस क्यों होनी चाहिए उस बात को भी समझ लीजिए। और किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते समय हमें उस इक्वेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी होनी चाहिए वो भी हमें पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए, रिएक्शन बैलेंस करने का सिंपल सा फंडा है कि रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे तो उसमें आपके जो मास होगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो दोनों का इक्वल रहेगा और उसकी फिजिकल स्टेट जो होंगी वो भी आपको रिएक्शन में रिप्रेजेंट करनी होंगी, चाहे वो रिएक्टेंट में हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सॉलिड रहे, गैस रहे, लिक्विड रहे, वो आपको रिप्रेजेंट करनी है। यदि रिएक्शन में हीट चेंज होती है तो वो भी आपको रिप्रेजेंट करनी है। इसके अलावा रिएक्शन में जितनी भी कंडीशंस होंगी उन कंडीशंस को भी आपको रिप्रेजेंट करनी जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं
एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन हीट चेंज में आती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो रिएक्टेंट के रिएक्शन करने पर हीट इवॉल्व करती हैं। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि जब आप स्लेक लाइम में वाटर को मिक्स करते हैं तो वहां से हीट बहुत तेजी से बाहर निकलती है, बबल्स की फॉर्म में निकलती है। सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग हीट, हीट एनर्जी, एनर्जी, सो द प्रोडक्ट साइड ऑफ एन इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल है कार्बन का बर्निंग, नेचुरल गैस की बर्निंग, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, जितनी भी कम्बशन रिएक्शन है वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, हीट इवॉल्व करती हैं। अब दूसरा टाइप आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसे लिखने का भी फंडा आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एन टू प्लस ओ टू प्लस हीट इज इक्वल टू 2NO। ये 2NO होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसकी मैंने स्टेट लिख रही है गैस गैस गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, हीट इसमें हमें रिएक्टेंट को देनी होती है और प्रोडक्ट हमें तब फॉर्मड होकर मिलता है। इसके आगे बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के। इस एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हीट, हीट एनर्जी या एनर्जी रिएक्टेंट साइड में लिखनी होती है इक्वेशन के। तो आप इसे समझ लीजिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में हीट लिखनी होती है और एक्सोथर्मिक में हमें प्रोडक्ट की साइड लिखनी होती है क्योंकि वो इवॉल्व्ड हो रही होती है। जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। अब इसके एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑल्सो दीज रिएक्शन रिप्रेजेंट द एंडोथर्मिक रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप है आपका केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन से ही पता चल रहा है इस वर्ड में कि जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो वो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो कॉम्बिनेशन कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब वाटर बनाएगा, वो भी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है वो भी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। ऐसे ही ये एग्जाम्पल सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको अच्छे से स्टडी करने हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड का नाम क्या है, कौन सा आपका गैस है, कौन सा सॉलिड है, ये सब मैंने आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसके बाद करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट्स, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो एक कंपाउंड को एक या उससे ज्यादा कंपाउंड्स में स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का उल्टा भी कहते हैं। यह तीन टाइप की रिएक्शन होती है, थर्मोकेमिकल जिसमें हीट की वजह से डीकम्पोजिशन होता है, फोटोकेमिकल जो हमारा सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से ब्रेकिंग होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकम्पोजिशन होता है। ये तीन टाइप की रिएक्शंस और इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको स्टडी कराऊंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। वहां पर क्या करना है आपको कि जो एलिमेंट्स हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने वाले हैं हम, उनका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम, सिंबल, मॉलिकुलर वेट आपको लर्न करना है और ये कॉपी के पहले पेज पर आपको लिखना है। देखिए एटॉमिक नंबर इसके लेफ्ट साइड में पहली रो में लिखे हुए हैं, एलिमेंट नेम उसके बाद लिखे हुए हैं, सिंबल्स, फिर मॉलिकुलर वेट। एक दो मैं पढ़कर बताता हूँ। देखिए एटॉमिक वेट 1 के लिए एलिमेंट नेम है हाइड्रोजन, सिंबल H, मॉलिकुलर वेट 1। इसके बाद 10 नंबर वाला पढ़ता हूँ, नियोन, सिंबल होता है Ne, मॉलिकुलर वेट 20। अब ये बात ध्यान रखना कि मॉलिकुलर वेट जो होते हैं वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, बट एटॉमिक नंबर हमेशा एक इंटीजर नंबर होगा, पूरी वैल्यू होगी, वो कभी भी ना तो पॉइंट में होगा ना ही फ्रिक्शन वगैरह में होगा। तो एटॉमिक नंबर को इन्हें याद करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। यदि आप एटॉमिक नंबर नहीं याद करेंगे तो ना तो आप इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही आप एटॉमिक नंबर बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्हें बहुत आसानी से याद किया जाता है, एक दो बार आप सही से पढ़ोगे, यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि नाम मैं पढ़ देता हूँ एक बार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, निकिल, आयरन, मैग्नीज।
तो इन एलिमेंट्स के नेम को आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, इनके मॉलिक्यूलर वेट को भी पढ़ना है, एटॉमिक नंबर को भी पढ़ना है। स्टूडेंट्स, इसके आगे की वीडियोस में आपको दूसरे कंपाउंड्स एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के साथ हम अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियोस को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ और दूसरी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाइक जरूर करें, आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नेम है आपका केमिस्ट्री अ अमेजिंग वर्ल्ड। क्लास 9 से 12 तक की सारी वीडियोस इस पे मिलेंगी। सो स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फॉर योर फैमिली। स्टूडेंट्स, कोरोना को हराना है तो आपको घर जरूर रहना पड़ेगा। दैट्स इज माई इंस्ट्रक्शन और एडवाइस टू यू। स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कीजिए, ये बहुत एंजॉय, बहुत अच्छा टाइम मिला है आपको पढ़ने का भी और अपने घर के यानी फैमिली मेंबर्स के साथ रहने का भी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स, माई वेल विशेज विद यू ऑलवेज। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।